हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया अपनी मर्यादा भूल गए और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने सारी मर्यादा लांघते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज पंचकुला में एक कार्यक्रम में पहुंचे कटारिया ने कहा कि बाप तो मर गया बफोर्स कांड में, दाग मीठा भी नहीं और कहते हमें है। ये कहावत हुई लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। रतनलाल ने इस तरह की टिप्पणी राजीव गांधी पर की। रतनलाल कटारिया ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ना नो मन तेल और ना राधा नाचेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में लोग भाजपा का मजाक उड़ाते थे, आज वही राजनीतिक लोग भाजपा में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। वहीं चीन के वीटो लगाए जाने पर पूछे गए सवाल पर कटारिया ने कहा कि चीन ग्लोबल टेररिज्म के मुद्दे पर अपने आप को पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाकर सारी दुनिया की नजरों में गिरने का कार्य कर रहा है। उनके मुताबिक चीन संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी परमानेंट एजेंसी का मेंबर है, उसे ऐसा दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, जब कटारिया से फिर से अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में पूछा गया तो उनका अपनी ही पार्टी के लोगों के प्रति भी उबाल जरूर निकला। उनका कहना था कि कुछ उनके शुभचिंतक हाईकमान को कहते हैं कटारिया बीमार रहने लगे। अरे जब वो बोलने लगते हैं तो लोकसभा स्पीकर कहती है स्पीकर बंद कर दो और कटारिया बोल रहा है। साथ ही कटारिया ने पारी हाईकमान के पाले में डालते हुए कहा कि टिकट हाईकमान तय करेगा और वो चुनाव के लिए तैयार हो। बहरहाल लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की ओर से इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट। जिसके बारे में ये कहा करते कटारिया 500 वोट नहीं पड़ लेगी अगले चुनाव में, कहा है बीजेपी, दो टोटरू धरे पल्ला नहीं, और अब वही पार्टी को कभी जाके कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं। हाँ जी, और मैं नाम नहीं बताना चाहता, अब हाईकमांड ही बताएगी कि कितने लोग संपर्क में है, कितने लोग संपर्क में है। दुकानें बंद हो जाएंगी दूसरी पार्टियों की, इतने लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब की बार भी दूसरी पार्टियों के लोग ही लड़ेंगे टिकट पे, बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन नहीं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, रखेंगे ध्यान। एक कल चाइना ने वीटो लगा के मशहूर अजीत के उस पे रोका है, तो उसके बारे में बता दीजिए। मैंने ये कहा है कि चीन जो है ग्लोबल टेररिज्म के मुद्दे पर अपने आप को पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाकर सारी दुनिया की नजरों में से गिरने का काम कर रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एजेंसी जिसका के वो परमानेंट मेंबर है। मैं ये कहता हूं कि चाइना को इस प्रकार का दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए था, चौथी बार उसने जो है अजहर के मामले में वीटो का प्रयोग किया है। तो आप अंबाला विधानसभा से, अंबाला लोकसभा से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए क्वेश्चन ऐसा है, मैं तो तैयार बैठे ही हूं कपड़े पहन हूं, तो वो तो पार्टी हाई कमांड का है, पार्टी हाई कमांड की होती है टिकट, बार बार इसका कहने का क्या फायदा है? अब देखो मेरे ऐसे शुभ चिंतक भी हैं, किसी ने कह दिया कटारिया तो बीमार रहने लग गया है, थारा बल हो जा, लोकसभा की स्पीकर तो न्यू कह रही कि जब मैं बोलने खड़ा हो जाता हूँ तो कहते हैं कि जी माइक बंद कर दो, कटारिया बोल रहा है, और इस टाइम मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने लग रहा हूँ, बुला मेरे जैसी कड़ाके की आवाज किसी की हो, राजनीति के अंदर तो यही तो चक्कर हुआ सारा है, और उसी में तुम कहते ढीला पिल्ला फलाना ढिमका मेरे यार, क्यों इस किस्म की बात। एक अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया जी कल, एक अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कल कि कांग्रेस जेजेपी और आप मिलकर इलेक्शन लड़े तो बीजेपी को हरियाणा में हरा सकते हैं। ऐसा है, हरियाणा की एक कहावत है कि वो जो है राम किशन लंबड़दार मर गया तो छोरा कहने लगा माँ इस गांव का लंबड़दार कौन बनेगा, अगर भाई उसके मरने के बाद तो रामस्वरूप बनेगा, अगर रामस्वरूप मर गया फिर कलिया बनेगा, और जो कलिया भी मर गया फिर सुभाष बनेगा, अगर जो वो भी मर गया बेटे सारा गांव मर चो, तेरा नंबर तो आता नहीं। तो ये जो जितने भी हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, चला दे करो यार।
थैंक यू जी। रजाई तो इसका बाप तो मर गया राहुल का, वो फोर्स कांड के लगा चुनड़ी में दाग मिटाऊ कैसे, वो तो इस दुनिया से चला गया और दाग मिटा नहीं, और मारे को कह रहे हैं। ये तो ये है कि भाई थूकते जाओ थूकते जाओ थूकते जाओ, कोई तो कहेगा ही भाई, हो सकता है।